नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाकवि भर्तृहरि के श्रृंगार शतक की बात चल रही है। आज एक ऐसा श्लोक प्रस्तुत करता हूं कि आपको भी इस चीज का एहसास हो कि वास्तविक सौंदर्य क्या है। आजकल हम देखते हैं कम से कम कपड़े पहनना या कुछ इस प्रकार की चीजें जो प्रकट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वास्तविक सौंदर्य, यहाँ स्त्री के लिए संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग होता है रामा, जो रमणीय है। राम पे से ये शब्द आया है। राम शब्द का अर्थ होता है रमंते योगिनो यस्मिनिति रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं उनको राम कहा जाता है। और यहाँ स्त्री के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है रामा, जो रमणीय है, जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है। तो सौंदर्य में किन किन चीजों की बात महाकवि भर्तृहरि ने की है, जरा आप ध्यान दें। कुमकुम पंक कलंकित देहा, गौर पयोधर कंपित हारा, नूपुर हंस रणत पद पद्मा, कमनवशी कुरुते भुविरामा। भाई कुमकुम, पीली हल्दी वगैरह जो होती है जिसको हम उबटन बोलते हैं, इस उबटन के द्वारा जिसके शरीर को स्वच्छ बनाया गया है। देखिए, शरीर की स्वच्छता और उसमें एक स्निग्धता, ये पहली चीज है। अगर कोई आपके शरीर का स्पर्श करे तो स्पर्श आनंददायक हो, ये एक पहली क्वालिटी बताई गई है। गौर पयोधर कंपित हारा, इस प्रकार की वो गौर वर्णा जो है उसके स्तनों पे झूलते हुए हार, यानी आभूषण स्त्री को सुंदर बनाते हैं। आगे बात करते हैं कि नूपर हंस रणत पद पद्मा, और पैरों में पहनी हुई पायल जब वो चलती है तो उसकी जो आवाज आती है, उसका एक जो रणकार होता है। अरे, इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसके हृदय का ये अपहरण ना कर लें, जिसको ये अपने वश में ना कर लें। तो यहां कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कम वस्त्र पहने, यहां बिल्कुल ये कि आप सब कुछ पहनिए, लेकिन जो चीजें आकर्षित करने वाली हैं उन चीजों की बात यहां की गई है। आपको सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग अवश्य करना चाहिए, आप खुद को सजा के रखें, आभूषण पहने, लेकिन खट खट अगर आपने पेंसिल हील पहनी है तो वही लोगों को आकर्षित करेगी, ये सबसे बड़ी भूल है। मेरे ख्याल से एक ऋषि मुनि हो ना, वो भी जब झांझर की झनकार सुनता है ना, पायल की जब रुंझुन सुनता है, तो उसके अंदर भी वो जो रामा कही गई है कि उसका चित्र, जो उसका मन जो राम में रमण करता होता है, वो भी किसी रामा के रमण के लिए तैयार हो जाता है। बड़ा ही सुंदर विवेचन है। जीवन में ये श्लोक कुछ हमें मार्गदर्शन भी देते हैं। धन्यवाद।